Hey, hi, namaskar, my dear friends. Aaj hum two-factor theory of motivation seekhenge. Okay, parson wale class mein, hope you remember, we spoke about two-factor theory. That is, wo bhi ek two-factor theory hai, lekin wo theory of general intelligence ke baare mein hai. Lekin ye jo theory aaj main bolne wali hoon, ye hoti hai about motivation. तो इसको हम टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलेंगे और इस थ्योरी को कौन लेके आए हैं हमारे पास दैट वाज फ्रेडरिक हर्जनबर्ग. तो ये जो थ्योरी है ये एक मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है. इसको ड्यूअल फैक्टर थ्योरी में भी बोलते हैं. तो आपको एग्जाम में क्या होता है ना सीटेट या आपके टेट एग्जाम में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये थ्योरी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में. इसीलिए मैं आपको इतना क्लियरली फिर से चार्ल्स पियरमैन के टू फैक्टर थ्योरी को यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ फिर से, ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस भी मालूम हो जाए. ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको दिए गए हैं फ्रेडरिक हर्जनबर्ग. तो इनका ये कहना है कि ये एक थीरी है जो पीपल के मोटिवेशन, उनके जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर इस थीरी को क्रिएट किया गया है. और ये 1959 में ये थीरी केम इनटू लाइमलाइट. और ये फ्रेडरिक हर्जनबर्ग जो भी हैं वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थीरी है. हम सब लोग रिलेट भी कर पाते हैं इस थीरी से, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देखिएगा. तो ये जो थीरी है ये ऐसे किए हैं इस थीरी को, हाउ डिड इट कम इन टू पिक्चर, इसको बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं हर्जनबर्ग ने. तो उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग हैं एक ग्रुप को लेके, अबाउट देयर गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस एट वर्क, वर्क प्लेस में जहाँ वो काम करते हैं उनके उनका एक्सपीरियंसेस क्या है, उन सब उनका फीडबैक लेने के बाद ये थीरी केम इन टू पिक्चर. So he was surprised that group answers questions about their group experiences very differently from the ones about their bad experiences. Yani jo group hai, jab unko good experiences ke bare mein puche gaye the, to uske liye unka answers bahut different the from unka jo answers the for about their bad experiences. To inke upar unhone kya kiya, unhone develop kiya hai ek theory ko कि पीपल्स जॉब सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स. तो ये जो थियरी ऑफ मोटिवेशन है उनका ये कहना है कि हर आदमी जो जॉब करता है जॉब सेटिस्फैक्शन वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है. ओके, और वो फैक्टर्स क्या है, दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं और फैक्टर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. तो एक फैक्टर होती है सेटिस्फैक्शन वाली फैक्टर, उसको मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर्स भी बोलते हैं. और दूसरे फैक्टर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन क्या होती है, हाइजीन फैक्टर्स या डिससेटिस्फायर्स. तो ऐसे टर्मिनोलॉजी आप देखोगे थोड़ा याद रखिएगा. तो कौन से हैं, होंगे दो फैक्टर्स, फैक्टर्स फॉर सेटिस्फैक्शन एंड फैक्टर्स फॉर डिससेटिस्फैक्शन. ये डिससेटिस्फैक्शन जो होती है उसको हम हाइजीन फैक्टर्स भी बोलते हैं या डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं. ओके, तो शायद अगर आप अब मुझे पूछोगे कि मैम ये फैक्टर्स फॉर सेटिस्फैक्शन क्या है, या मोटिवेशन आप बोल रहे थे अभी कि मोटिवेटर सेटिस्फायर्स बोल रहे थे, ये क्या है. तो ये मोटिवेटर सेटिस्फायर जो कुछ होता है, परफॉर्मेंस जो आदमी में जो परफॉर्मेंस होती है, और ही थिंक्स अबाउट रिकग्निशन जॉब में, हाँ मुझे कोई रिकग्नाइज करे, मुझे अच्छा स्टेटस मिले, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना ये सब आपके मोटिवेटर्स में आते हैं. ओके, और हाइजीन फैक्टर्स या डिससेटिस्फाइज वो होती है स्पेशली सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, ये सब हमें ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन देती है कोई भी जॉब में. तो ये जो रिलेशनशिप होती है ना कोलीग्स के साथ, और फिजिकल वर्क प्लेस एनवायरमेंट कैसी होती है, हमारे सुपरवाइजर के साथ या हमारे बॉस के साथ, ऐसे ये जो फैक्टर्स होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, ये सब आपके हाइजीन फैक्टर्स में आता है. लेकिन मोटिवेशन, आदमी को ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली चीज़ क्या होती है, उसका जॉब स्टेटस, उसके परफॉर्मेंस, अगर कोई अप्रिशिएट किए तो और भी अच्छा करने के लिए सोचेंगे वो लोग, है ना. तो अगर उनको वो कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ है
तो वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, दे आर मच मोर सेटिस्फाइड. सो ये दो फैक्टर्स होते हैं, यही कहा है हमारा हर्ज़नबर्ग. और उनका एक और पॉइंट है, हर्ज़नबर्ग क्लेम दैट दीज फैक्टर्स फंक्शन ऑन द सेम पेज. उनका ये कहना है कि वो अलग ये अलग नहीं होते, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं. इन अदर वर्ड्स, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन आर इन पोलर ऑपोजिट्स. यानी आपको मालूम है ना, पोलर ऑपोजिट वो टू एंड्स होते हैं, लेकिन पोलर ऑपोजिट्स नहीं है ये, एक साथ ही साथ होते हैं सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन. अगर आप इसके लिए एग्जाम्पल मालूम होना चाहते हैं, आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अगर मुझे एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन निकालना है, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, सोचो कि आप कोई स्कूल में काम कर रहे हो, वहाँ आपको कुछ 10,000 सैलरी दे रहे हैं, अभी यू आर नॉट रियली हैप्पी, वो आपको काफ़ी नहीं है. अगर आपके प्रिंसिपल आके आपको बोलेंगे कि मैं 15,000 देने वाला हूँ अगले मंथ से, तो वॉट इज़ दैट? प्रॉब्ली द स्कूल के यू नो एटमोसफियर इतना अच्छा नहीं है, जो भी है, बट टेल मी, विल यू बी सैटिस्फाइड, हैप्पी? ये मोटिवेट करेगा आपको कंटिन्यू करने के लिए आपका जॉब वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बाई ऑफरिंग अ हायर सैलरी अप टू सम एक्सटेंट यू आर सैटिस्फाइड, एटलीस्ट यू आर नॉट डिससेटिस्फाइड. आप ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो सकते भी, इट इज़ योर चॉइस. इफ़ योर प्रिंसिपल आके आपको पूछेंगे कि मैं इतना इंक्रीज करूँगा, यू माइट बी सेटिस्फाइड और यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड. एटलीस्ट इतना हैप्पी भी नहीं होगे, लेकिन डिससेटिस्फाइड भी नहीं होगे. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन होती है, जहाँ सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन, ऐसा नहीं कि कुछ दूँ तो पूरा सेटिस्फाई हो जाऊँ, एटलीस्ट यू आर नॉट डिससेटिस्फाइड भी, ऐसा कंडीशन भी हो सकती है. सो इन्हीं फ्रेडरिक का कहना है कि दो जो फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेटर्स, हाइजीन फैक्टर, हर कॉम्बिनेशन होती है हर एक आदमी में, ये थियरी ऑफ मोटिवेशन यही जो कुछ कहता है. ओके, तो एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, आपको ये थियरी ऑफ मोटिवेशन और टू फैक्टर थियरी, हु गेव दिस थियरी करके आपको ये नाम दिए जाते हैं. तो शायद चार्ल्स स्पीयरमैन, इनका कौन सा थियरी है, इनका थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको भी हम टू फैक्टर थियरी बोलते हैं, राइट? सो डोंट गेट कन्फ्यूज देयर, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू. सो हमारा थियरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया है, फ्रेडरिक हर्ज़नबर्ग, और थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वाली बात हमारे चार्ल्स स्पीयरमैन. यही आपको मालूम होना है, वेरी सिंपल थियरी, फटाफट हो जाता है, जस्ट लाइक स्पीयरमैन थियरी. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वाली थियरी है. देखो, स्पीयरमैन थियरी में हमने क्या सीखा पिछले वाली क्लास में, इट्स अ थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थियरी है, और उसको एलिप्टिक थियरी भी बोलते हैं. तो एग्जाम आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एन एलिप्टिक थियरी वॉज प्रपोज बाय कौन, चार्ल्स स्पीयरमैन, यू नो फ्रेडरिक हर्ज़नबर्ग, या कोई और का नाम, तो आप कौन सा लोगे, ऑब्वियसली स्पीयरमैन. अगर मैं थियरी ऑफ मोटिवेशन पूछूं, तो अगर किस साइकोलॉजिस्ट को आप ऑप्ट करोगे, फ्रेडरिक हर्ज़नबर्ग, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस ऑलवेज. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. और आपको लिंक्स में आपको मेरा बुक का लिंक भी मिल जाएगा, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मेरे बुक विच आई हैव रिसेंटली ऑर्डर्ड उसमें ज़रूर मिलेगा. डू watch out that for in Amazon and Flipkart also, it's available now, e-copy bhi hai aur hard copy bhi. Okay, bye bye, take care.